स्टूडेंट्स एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 10वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके पहले मैंने पहला पार्ट इसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है अपलोड कर चुका है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये सेकेंड पार्ट है कक्षा 10वीं का इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको दोनों पार्ट को अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाया गया है और पासिंग नंबर तक जो है और अच्छे नंबर पाने के लिए आपको अवश्य देखना है। तो अपन पहले पार्ट में जो है क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन 12 का ही आगे का जो है ये पैराग्राफ राइटिंग है। एन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ आवर एन स्कूल डे से स्पेशल अटेंशन ऑफ एवरी वन दिस ईयर बिकॉज ऑफ दिस विजिट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ द स्कूल वाज बिल डेकोरेटेड द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ रिसीव्ड द चीफ गेस्ट, है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 13 में, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड ऑन द बेसिस गिवन टॉपिक। राइट ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द क्विज कॉम्पिटिशन टू हेल्ड ऑन 19 अगस्त एट योर स्कूल। तो ये है आपको नोटिस स्टार्टिंग, आपको ऐसे करना है। सबसे पहले आपको लिख देना है स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सीजी। उसके बाद यहाँ पर डेट डालना होगा, 10 अगस्त को आपने इसको नोटिस किया है। और यहाँ पर नोटिस और किस विषय पर कर रहे हैं, वो क्विज कंपटीशन। द कल्चरल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर इज ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉम्पिटिशन फॉर ऑल स्टूडेंट ऑन 19 अगस्त 2022। इसके बाद नीचे में दो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम। उसके बाद नीचे में नाम लिख देना है, रेणुका सेक्रेटरी क्लब कल्चरल क्लब। इसके बाद इसके अथवा में है, दो में से एक बनाना रहता है। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, राइट ए नोटिस अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स डे टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़, डेट डाल देना है जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर नोटिस स्पोर्ट्स एंड गेम्स। द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर इज ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स एंड गेम कंपटीशन। स्पोर्ट्स क्लब हमारे विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के द्वारा स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाया जा रहा है और सभी स्टूडेंट के लिए है, है ना, फॉर ऑल स्टूडेंट। 14 जनवरी को कराया जाएगा। जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं खेलकूद प्रतियोगिता में, वे अपना नाम जो है जल्द से जल्द लिखवा दें। ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। और उसके बाद नीचे में सेक्रेटरी प्राची वर्मा स्पोर्ट्स क्लब। रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अब एक पोयम है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है दोस्तों। आई हैव अराइव्ड ए क्यूरियस टाउन विच इज पेंटेड विथ क्यूरियस ह्यू एंड देयर ए काइटन बार्क एंड बार्क। मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। आई हैव अराइव का मतलब होता है पहुँचना, क्यूरियस यानी अजीब शहर, है ना, अजीब यानी स्ट्रेंज, ठीक है, एक अलग ही शहर में पहुँच गया जहाँ पर अजीब अजीब कलर के, नए टाइप के कलर के पेंट किया गया था दीवारों पर। एंड देयर काइटन बार्क, काइटन यानि कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा यार, सॉरी, बिल्ली की बच्चे जो है वो भौंक रहे हैं, है ना। द पप्पी म्यूस एंड म्यूस, जबकि कुत्ते के बच्चे पप्पी जो होते हैं वो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है सब कुछ। एंड देयर द फ्रॉग क्लाइंब अप ए ट्री, और यहाँ पर मेढक जो है वो पेड़ों पर चढ़ रहे हैं एक बंदर की तरह। एंड क्रॉक्स इन क्यूरियस वे प्रिपेयर शावर ऑफ पेल्टिंग आइस, इट इज़ गोइंग टू हेल टूडे। एंड देयर रिवर फ्लोस विथ फायर, वहाँ पर नदी जो है उसे पानी नहीं है, है ना, पानी की जगह आग बह रहा है, लावा बह रहा है, ठीक है।
वालकानो, जो वालकानो होता है यानी ज्वालामुखी, उससे आग निकलता है, जबकि यहाँ पर बर्फ के टुकड़े उसमें है। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का कलर 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर एट द डे इस एन वीक आर 2 है ना, 2 दिन का 1 सप्ताह हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। द क्यूरियस इन द पोयम मीन्स ईगर टू नो, ये आएगा उत्सुक। द वर्ड ह्यू इन द पोयम रिफर टू, ह्यू यानी कलर होगा। पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ, पेल्टिंग, पेल्टिंग जो है रिवर आएगा। वाट आर अनयूजुअल थिंग हैपनिंग इन क्यूरियस टाउन, एनी वन लिखना था दोस्तों, मैंने पूरा लिख दिया है सभी को, आप लोग एक ही ठो लिख लेना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको बस। द टाउन इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, ए काइटन इज बार्किंग, द डॉग इज म्यूइंग, द फ्रॉग इज क्लाइंबिंग, यही तक करना है। इसके बाद लिस्ट द क्रिएचर मेंशन इन क्यूरियस टाउन एनी वन, इसमें भी उस जीव के नाम लिखना है जो इस पोयम में बताया गया है, तो काइटन एंड पप्पी एंड फ्रॉग। डू एज डायरेक्टेड यानी कि ग्रामर है ना, अब्दुल इज ऑनेस्ट, अब्दुल इज हार्ड वर्किंग, ये दोनों सेंटेंस को आपको नॉट ऑनली बट आल्सो से ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर अब्दुल इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग होगा आंसर। यू आर राइट द लेटर, चेंज इन टू निगेटिव, निगेटिव बनाना है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस है ये, है ना, प्रेजेंट। तो यहाँ पर डू नॉट लगा देना है आपको बीच में, यू डू नॉट। इसके बाद द बर्ड इज़ वेरी स्मार्ट, इट कैन नॉट फ्लाई, सो दैट से इसको कंप्लीट करना है, तो बर्ड इज़ ये वेरी को हटाकर आपको सो लिख देना है, उसके बाद स्मॉल के बाद दैट लगाकर पूरे सेंटेंस को सेम टू सेम उतारना है। दे डोंट नो हर, एड क्वेश्चन टेक, अब यहाँ पर क्वेश्चन टेक एड करना है, तो यहाँ पर डू दे बस हो जाएगा, ठीक है। यू प्रे टू गॉड डेली इंट्रोगेटिव, यहाँ पर डू सामने में लगा देंगे तो ये हो जाएगा। ग्रामर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा समझने के लिए, है ना, यदि आपको इंग्लिश में अच्छे से पास आउट करना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन, ये आपके बुक का ही है, अराउंड 10 ईयर्स एगो देयर वाज ए यंग मैन हुज नेम वाज आकाश, ही वाज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, आफ्टर ही कंप्लीट हिज MBBS ही वर्क हार्ड एंड वॉन ए स्कॉलरशिप टू USA, ही गॉट हिज फादर मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक, along with him 10 his friend had also gone for higher studies to America। अब इसके कहने का मतलब यह है कि एक लड़का था, 10 साल पहले की बात है, उसका नाम आकाश था, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, और अपना MBBS डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो है जो है विदेश चला गया, है ना, स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया क्योंकि विदेश जाने के लिए इस पैसे की ज़रूरत थी, और अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिया। सभी दोस्त उनके वहीं रुक गए, जबकि आकाश जो है वापस आने का फैसला लिया, है ना। आकाश फादर वाज नॉट हैप्पी हिज सन डिसीजन, उसके पिताजी इस बात से दुखी थे कि तुम वापस क्यों आ गए। उनके कहने का मतलब ये था कि तुम अमेरिका में ही रहते और हमको भी बुला लेते, हम सारे लोग वहीं रहते। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न टू मनी एंड फाइनली इन्वाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो सेटल इन अमेरिका, बट आकाश वाज एडमांटेड माई कंट्री हैज स्पेंट 1000 rupees इन एजुकेटिंग मी, जबकि आकाश का कहना था कि मेरे देश ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए हैं, इसलिए मुझे उनका कर्ज चुकता करना है, इसलिए मैं यहीं पर जो है लोगों की सेवा करूँगा। यह है इसका ट्रांसलेशन दोस्तों। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, वाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, उस लड़के का क्या नाम था, तो यहाँ पर आकाश, तो आकाश लिख देंगे। ही वाज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, हाउ डिड आकाश गो टू USA, ही वर्क हार्ड एंड वॉन स्कॉलरशिप टू USA, वाई वाज आकाश फादर अनहैप्पी, आकाश के पिताजी अनहैप्पी क्यों था, क्योंकि
वो जो है यहीं रुकना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन आंसर हो गया। वाई वाज आकाश फादर प्राउड ऑफ एंड उसके बाद है वाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया। फाइंड द वर्ड मीन्स मनी फॉर स्टडी फ्रॉम द पैसेज, तो वन स्कॉलरशिप आएगा। फाइंड द वर्ड विच मीन्स एन अदर कंट्री फ्रॉम द पैसेज, एन अदर कंट्री यानी दूसरा देश, दूसरा देश यानी क्या होता है विदेश, तो फॉरेन लिख देंगे। क्वेश्चन 17, राइट द एसे। आप वंडर ऑफ साइंस मैंने इसमें किया है दोस्तों, तो वंडर ऑफ साइंस को आप लोग यहाँ से दे, आपके प्रबोध नव वो सब में दिया हुआ है, इसलिए इसको दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी जिनके पास नहीं है उन लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बीच बीच से रोक रोक कर आप देख सकते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो जाता है आपका 10th का इंग्लिश का।